हेलो गाइस, मैं हूं आपका नरेटर अमित और आपका स्वागत है मेरे चैनल ई पैट्रॉन योर इंटरनेट बड़ी में। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं ईयर 1967 में रिलीज हुई लो बजट एंथोलॉजी हॉरर मूवी की। इसका नाम है गैलरी ऑफ हॉरर। इस मूवी में टोटल 5 हॉरर स्टोरीज हैं। गैलरी ऑफ हॉरर की करंट आईएमडीबी रेटिंग है 3.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स, जो कि काफी लो है, पर गूगल पे 81% यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। एज यूजुअल मैं इस वीडियो में गैलरी ऑफ हॉरर के प्लॉट को डाइजेस्टेबल पार्ट्स में तोड़ के करूंगा, इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा। अगर आप स्पॉइलर फ्री रिव्यू देखना चाहते हो तो आप वीडियो के नेविगेशन पैनल को यूज करके डायरेक्टली फाइनल वर्डिक्ट चैप्टर पे जा सकते हो। आइए अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं मूवी की प्लॉट समरी की। मूवी की शुरुआत में हमें एक नैरेटर को दिखाया जाता है जो हमें ये कहानियां सुना रहा होता है, और सबसे पहली कहानी थी द विचेस क्लॉक। इस कहानी में हमें दो यंग कपल्स बॉब, जो कि एक राइटर था, और उसकी वाइफ जूली को दिखाया जाता है, जो मैनहट्टन जैसे शहर से एक रिमोट लोकेशन पे मौजूद एक पुरानी मेंशन में मूव करते हैं। जूली बॉब से मेंशन को डंजन में जाने की रिक्वेस्ट करती है ताकि वो मेंशन की हिस्ट्री को एक्सप्लोर कर सके। वहां जूली और बॉब को एक पुरानी घड़ी मिलती है जिसे जूली पॉप को बोल के लिविंग रूम में मूव करवा देती है। अगले दिन जूली नोटिस करती है कि वो घड़ी खराब थी, तो जूली पॉप को घड़ी को ठीक करने को कहती है। स्ट्रेंजली वॉच के मैकेनिज्म को खोलने वाली चाबी इतने सालों बाद भी वॉच के ऊपर ही थी। जब बॉब वॉच को फिक्स कर देता है तब मेंशन के बाहर अचानक से लाइटनिंग गिरती है और उनके डोर पे एक नोक होती है। जब बॉब डोर खोलता है तो वहाँ पे ट्रिस्टिन हेल्बेन नाम का एक आदमी को पाता है, और हेल्बेन और मूवी के नरेटर का रोल एक ही एक्टर ने किया है। हेल्बेन वहाँ किसी मेलर फैमिली के लिए आया था और वो उनका एक सर्वेंट था, पर बॉब का कहना था कि मेंशन में पिछले 5 साल से कोई नहीं रह रहा और उसने हाल ही में ये मेंशन खरीदी है। जूली हेल्बेन को रोक लेती है और उसे अपने लिए काम करने का ऑफर देती है। अगले दिन जब हेल्बेन और जूली बाहर गए होते हैं और बॉब विचेस के ऊपर अपनी बुक लिख रहा होता है, तो उसका पड़ोसी फिंचले वहां आता है, जो बॉब को बताता है कि उसकी मेंशन के नीचे लूसी मेलर की कब्र है, जो कि एक विच थी। फिंचले बताता है कि मेलर और उसकी पूरी फैमिली को मेंशन के नीचे बरी किया गया था, और र्यूमर्स हैं कि मेलर के पास एक ऐसी वॉच थी जो मरे हुए लोगों को वापस ला सकती थी। जिसके बाद बॉब डंजन में जाके लूसी और उसकी फैमिली की ग्रेव्स को देखता है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि हेल्बन ने जूली को हिप्नोटाइज कर लिया है। इससे पहले कि हेल्बन कुछ कर पाता, बॉब वहां पे आ जाता है और वॉच को रोक देता है, जिसके बाद वो तीनों जल के मारे जाते हैं। और कुछ समय बाद फिर से उस मेंशन में नए टेनेंट आते हैं जो कि दोबारा से उसी वॉच को चला देते हैं, जिसके बाद फिर से वही होता है और हेल्बन उनके मेंशन के बाहर आ जाता है, और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। दूसरी कहानी है किंग वैम्पायर, जिसमें हमें डिटेक्टिव जॉन को दिखाया जाता है जो एक डेड बॉडी को देख रहा था जो कि एक सीरियल किलर के तीर में विक्टिम की थी। इस डेड बॉडी के गले पे पंक्चर वुंड्स थे जैसे किसी वैम्पायर बाइट के होते हैं। यही वजह थी कि लोकल न्यूज़पेपर वालों ने इस सीरियल किलर का नाम किंग वैम्पायर रखा था। अभी तक पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, इसलिए जॉन मर्डर की साइट पे जाता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वहां जाने के बाद जॉन को पता चलता है कि वहां के लोग पुलिस से काफी ज्यादा अपसेट थे क्योंकि वो इस सीरियल किलर को पकड़ नहीं पाए थे, और उनमें से मोस्ट लोगों को ये एक वैम्पायर का काम ही लग रहा था। बट इंक्वायरी करने के बाद एक आदमी किलर की डिस्क्रिप्शन जॉन को बता देता है। वहीं फिर दोबारा एक औरत जॉन को किलर की डिटेल्स भी बताती है, जैसे कि उसकी हाइट, ड्रेसिंग सेंस वगैरह। अगले दिन हम देख पाते हैं कि किलर ने पुलिस की हेल्प करने वाली औरत को भी अपना शिकार बना लिया था। इसके बाद लोकल्स और भी एंग्री हो जाते हैं और वहां देखते ही देखते एक मॉब इकट्ठा हो जाता है, और ये मॉब जॉन के सामने ही एक आदमी को पकड़ लेते हैं जो कि किलर की डिस्क्रिप्शन को एग्जैक्टली मैच करता था। उस इंसान का कहना था कि वो रोज वहां पे वॉक करता है, पर मॉब उसके हाथ पे लगे हुए ब्लड देख लेती है। उस इंसान का कहना था कि ये एक आवारा डॉग का ब्लड है, बट मॉब उसकी एक नहीं सुनते और उसे वहीं पुलिस के सामने ही मार देते हैं। अगले दिन जॉन को उसका सीनियर इन्फॉर्म करता है कि उस आदमी के मरने के बाद और 3 मर्डर्स हो चुके हैं, और उसके हाथ पे मिला ब्लड लैब में डॉग के ब्लड से मैच कर गया है, और उन्होंने सस्पेक्ट की डिस्क्रिप्शन का हर एक मर्द से पूछताछ कर ली है, पर उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिली है। जिसके बाद जॉन का कहना था कि शायद ये किंग वैम्पायर नहीं बल्कि क्वीन वैम्पायर का काम है, और इन मर्डर्स के पीछे कोई वुमन हो सकती है, पर अनफॉर्चुनेटली जॉन को किसी और केस के सिलसिले में इस केस को छोड़ के जाना पड़ता है। और जॉन के जाने के बाद हम देख पाते हैं कि इस सारे समय उनके ऑफिस में मौजूद असिस्टेंट ही असली वैम्पायर थी, और वो जॉन के सीनियर पर अटैक करके उसे मार देती है, और ये कहानी भी यहीं खत्म हो जाती है। अगली कहानी है मॉन्स्टर रेज, जो एक कब्रिस्तान में शुरू होती है जहाँ एक इंसान डेसमंड ने मास्टर को लेने आया था, और हम देखते हैं डेसमंड कॉफिन
कॉफिन से एक डिकेइंग बॉडी को निकालता है जो कि समहाउ अभी भी जिंदा थी। अब कॉफिन से निकला ये इंसान अपनी कहानी सुनाता है। फिर सीन चेंज होता है चार्ल्स नाम के साइंटिस्ट के घर में, जो कि एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, जो कि एक लाइफ चेंजिंग एक्सपेरिमेंट पे काम कर रहा था और वो अपनी वाइफ हेलन और अपने लॉयल सर्वेंट डेसमंड के साथ रहता था। चार्ल्स का दोस्त जेम्स उसे मिलने आता है और साथ ही चार्ल्स को अपने घर पे डिनर पे लिए इनवाइट करता है। चार्ल्स तो आने के लिए मना कर देता है बट वो अपनी वाइफ हेलन को जाने के लिए बोलता है। यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि हेलन और जेम्स का अफेयर चल रहा था, क्योंकि चार्ल्स अपने काम के चलते हेलन को टाइम नहीं दे पाता था। और हम ये भी देख पाते हैं कि जेम्स के इंटेंशन ठीक नहीं थे और वो चार्ल्स के एक्सपेरिमेंट को हथियाना चाहता था, जिसका डाउट हेलन को भी था, पर वो जेम्स के प्यार में इतना अंधी हो चुकी थी कि वो ये सब नहीं देख पा रही थी। अगले दिन हम देखते हैं कि चार्ल्स जेम्स को अपने ह्यूमन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने को बोलता है, जिसके लिए जेम्स मना कर देता है। उसी दिन हम देखते हैं कि डेसमंड चार्ल्स को हेलन और जेम्स के बारे में बता देता है और ये भी कि वो दोनों से मार के उसकी डिस्कवरी चुराना चाहते हैं। उसी वक्त हेलन चार्ल्स के नोट्स चुराने के नाकाम कोशिश करती है। इसके बाद चार्ल्स उसे जेम्स को बुलाने के लिए भेज देता है। चार्ल्स जेम्स को अपने डिस्कवर किए हुए फॉर्मूला को खुद पे ही यूज करने के लिए बोलता है, बट जेम्स इंटेंशनली बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में वो फॉर्मूला चार्ल्स को अंदर इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद चार्ल्स की पल्स काफी गिर जाती है और जेम्स एंड हेलन चार्ल्स को जिंदा ही दफनाने का फैसला करते हैं और चार्ल्स का फॉर्मूला यूज करके अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगते हैं। पर ज्यादा कंसंट्रेशन में देने की वजह से चार्ल्स का ब्रेन और लंग्स अभी भी ठीक थे। इसके बाद हम देखते हैं कि हेलन को ये रियलाइज होता है कि जेम्स ने भी उसका यूज ही किया है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि डेसमंड चार्ल्स को लेके वहां आ जाता है और चार्ल्स की डिकेइंग डेड बॉडी दोनों जेम्स और हेलन को मार देती है और डेसमंड पूरे कैसल को आग लगा देता है और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अगली कहानी का नाम है स्पार्क ऑफ लाइफ। ये स्टोरी है दो मेडिकल स्टूडेंट डॉक्टर कुशिंग एंड फेडरिक और उनके प्रोफेसर मेंडल की। ये दोनों डॉक्टर प्रोफेसर से उनके लेक्चर के ऊपर बात कर रहे थे, जिसमें प्रोफेसर ने बात की थी डेड ह्यूमंस को जिंदा करने की, वो भी यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। और इस प्रोफेसर का कहना था कि ये सब उसके एक कलीग की रिसर्च पे बेस्ड है। इसका नाम है विक्टर फ्रैंकस्टाइन, जो कि एक ईस्टर है मशहूर डॉक्टर फ्रैंकस्टाइन का। प्रोफेसर उन्हें एक डेमो भी दिखाता है जिसमें वो एक डेड बॉडी में इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देके उसके हैंड को मूव करवा देता है। इसके बाद प्रोफेसर वहां से चला जाता है और दोनों यंग डॉक्टर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने की कोशिश करने का प्लान करते हैं एज अ प्रैंक, और ये दोनों उस डेड बॉडी को वहां से ले जाने लगते हैं। बट तभी वहां पे प्रोफेसर मेंडल भी आ जाते हैं। जब वो प्रोफेसर मेंडल को अपना प्लान बताते हैं तो प्रोफेसर मेंडल भी उनको ज्वाइन करने को कहता है ताकि वो अपनी थ्योरी को प्रूव कर सके। आगे चल के वो डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक स्टिमुलस देने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो डेड बॉडी थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाती है, जो कि दोनों स्टूडेंट्स को डरा देती है। फिर प्रोफेसर वहां से लेक्चर लेने के लिए चला जाता है। दोनों स्टूडेंट्स को लग रहा था कि ये थ्योरी फेल हो जाएगी, बट टू देयर सरप्राइज ये एक्सपेरिमेंट आगे चल के कामयाब रहता है और वो डेड बॉडी जिंदा हो जाती है, जिसके बाद वो उसे एक सेडेटिव दे देते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये डेड बॉडी एक मर्डरर की थी जिसे फांसी हो चुकी थी। जिसके बाद ये दोनों स्टूडेंट्स काफी डर जाते हैं और वो प्रोफेसर को कन्विंस करते हैं कि वो इस मर्डरर को जिंदा नहीं रख सकते और अगर पुलिस को पता चला तो उनके करियर खत्म हो जाएंगे, और वो तीनों उसे फिर से मारने को डिसाइड करते हैं। एक नाइफ को रोटेट करके वो डिसाइड करते हैं कि उन तीनों में से कौन सा उसे मारेगा। इसमें प्रोफेसर का नाम आता है और वो दोनों उसे अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तब प्रोफेसर उसे मार देता है क्लोरोफॉर्म से। अगले सीन में हम दोनों स्टूडेंट्स को वहां आता दिखते हैं डेड बॉडी को देखने, बट टू देयर सरप्राइज वो डेड बॉडी थी प्रोफेसर मेंडल की और वो मर्डर उन्हें डोर के पीछे से निकल के मार देता है। अगर आप भी सोच रहे हो कि ये इतना क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद भी जिंदा कैसे था, उसका जवाब है वो ऑलरेडी मर चुका था और अनलाइक नॉर्मल ह्यूमंस वो इलेक्ट्रोस्टिमुलस से जिंदा था, इसलिए उस पे इस केमिकल का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ। आखिरी कहानी थी काउंट एलकार्ड की, जो कि फेमस प्रैम स्टोकर की ड्रैकुला से इंस्पायर है। पहले सीन में हमें हॉर्स कार्ड दिखाई जाती है, जहाँ एक ट्रैवलर होकर काउंट के कैसल के पास पहुंचता है, बट कार्ड का ड्राइवर होकर को कैसल में ले जाने तक के लिए मना कर देता है। होकर उसे नाइट से पहले ही कैसल में जाने के लिए बोलता है, बट वो वहां जाने से मना कर देता है, जिसके बाद होकर को पैदल ही कैसल तक जाना पड़ता है, जहां उसे एलोकार्ड मिलता है। और यहां हमें पता चलता है कि होकर वहां एलोकार्ड के साथ लैंड डील करने आया था। स्ट्रेंजली एलोकार्ड डिनर नहीं करता और मॉर्निंग में पेपर साइन करने को भी मना कर देता है, जो कि टिपिकल साइंस है एक वैम्पायर के। रात को सोते वक्त होकर को एक लेडी वैम्पायर सेड्यूस करके उसका ब्लड पीने की कोशिश करती है, बट तभी बहुत सारे विलेजर्स वहां आ जाते हैं क्योंकि एक बच्चे पे किसी औरत ने अटैक कर दिया था और वो औरत कैसल की तरफ ही आई थी। जब हॉकर बाहर आता है तो एलोकार्ड उसके ब्लड से अटैक्ट होता है, बट हॉकर उसे हटा के विलेजर्स की मदद करने के लिए चला जाता है और ये सब मिलके कब्रिस्तान में जाते हैं, जहां एक और विलेजर का शिकार हो जाता है। जल्दी ही वो लोग दो कॉफिन्स को डिस्कवर कर लेते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेंजली हॉकर फुल प्रिपरेशन के साथ आया था। उसके कहना था कि उसकी फैमिली
लड़की को भी किसी वैम्पायर ने मारा था, तब से वो इन्हें हंट कर रहा है। और फिर हॉकर दोनों वैम्पायर लड़कियों को मार देता है, जिसमें से एक वही औरत थी जो कि उसे उसके रूम पे सेड्यूस करने आई थी। इसके बाद हॉकर कैसल वापस आता है, जहां उसे एलोकार्ड मिलता है जो उसे कंग्रेचुलेट करता है विलेजर्स को बचाने के लिए। इसके बाद कहानी का असली ट्विस्ट रिवील होता है, हॉकर खुद भी एक वेयरवुल्फ था और वो ड्रैकुला को मार देता है क्योंकि वो खुद उस टाउन के लोगों का ब्लड पीना चाहता था। और ये कहानी और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। मैं द गैलरी ऑफ हॉरर को दूंगा 2.8 out of 5 stars। बात करें एंटरटेनिंग फैक्टर की, तो ये मूवी एंटरटेनिंग तो है, पर काफी ओल्ड मूवी होने की वजह से इसमें इफेक्ट्स ज्यादा अच्छे नहीं है। और मूवी में दिखाई हुई काफी सारी स्टोरीज इतनी बार रीमेक हो चुकी है कि वो थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। जैसे कि वैन हेल्सिंग जैसी स्टोरी आपको काउंट एलोकार्ड में मिलेगी और स्पार्क ऑफ लाइफ में फ्रैंकस्टीन से इंस्पिरेशन ली है। साथ ही ये सारी स्टोरी आपस में बिल्कुल कनेक्टेड नहीं है, जो कि एक और डिसएडवांटेज है एक एंथोलॉजी मूवी के लिए। ओवरऑल स्टोरीज इंटरेस्टिंग है बट एट अ टाइम थोड़ी प्रेडिक्टेबल है। मुझे पर्सनली किंग वैम्पायर एंड स्पार्क ऑफ लाइट स्टोरीज काफी पसंद आई। आप कमेंट में बताओ कि आपको कौन सी स्टोरी पसंद आई। अगर बात की जाए वॉचिंग सोर्सेज की, और इस मूवी का इंग्लिश वर्जन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात करते हैं वॉचिंग रिकमेंडेशन की। अगर आपको इस मूवी का प्लॉट अच्छा लगा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मूवीज लाइक क्रीप शो एंड VHS। दैट्स इट फॉर द वीडियो। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय, पीस आउट।